Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, कैसे हैं आप? I hope all you are well. So guys, we are here with another food video. और आज हम आए हैं guys एक प्यारे से कैफ़े के पास, और ये है guys Delicious कैफ़े, और बहुत ही अच्छा और रीजनेबल कैफ़े है, और अभी न्यूली लॉन्च है ये. इसी जनवरी में लॉन्च हुआ ये कैफ़े guys. तो guys, आज हम यहाँ ट्राई करने वाले हैं व्हाइट सॉस पास्ता. पास्ता में व्हाइट सॉस पास्ता अगर ट्राई नहीं किया तो फिर मज़ा नहीं आएगा बिना व्हाइट सॉस पास्ता के. तो गाइज, जब तक मेरा व्हाइट सॉस पास्ता बन के आ रहा है, सबसे पहले मैं आपको मिलाता हूँ हमारे डिलीशियस कैफे के ओनर से. चलिए अब मैं आपको मिलाता हूँ डिलीशियस कैफ़े के ओनर से. भाई आपका नाम क्या है? पहले तो नाम बता दीजिए. मेरा नाम अभिषेक सिंह राजपूत है. अभिषेक जी, पहले तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर. गाय बहुत अच्छा नेचर है भाई का, और इतना ही शानदार कैफ़े भी है. तो ये आइडिया कैसे आया आपको इस कैफ़े का? मैं बचपन से ही बिजनेस फील्ड से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ. अच्छा, मैं और भी बिजनेस करता रहता हूँ साइड से, मेरे कंस्ट्रक्शन बिजनेस भी चलते हैं. उन्हीं बिजनेस के थ्रू, एक साइड इनकम सोर्स के थ्रू ये बिजनेस का आइडिया आया और मैंने कैसे बना. तो अकेले, मतलब बिना पार्टनरशिप के? और हाँ, ऑब्वियसली मैं अकेला यहाँ का ऑनर हूँ. बहुत अच्छी बात है यार. तो एज क्या होगी अपनी? मेरी 21. सीरियसली बताऊँ तो मुझसे भी छोटे हैं और रेस्टोरेंट चला रहे हैं. मतलब मुझे बहुत अपने आप पे ही बड़ा बेकार सा लग रहा है. बहुत अच्छी बात है भाई, सच में दिल से बताऊँ तो. मैंने सुना कि जो इस कैफ़े का इंटीरियर आपने खुद ही डिज़ाइन किया है. या श्योर, ऑब्वियसली इसका पूरा इंटीरियर मैंने खुद से डिज़ाइन किया है. बहुत अच्छी बात है. कैफ़े का इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है, और मतलब लग नहीं रहा कि आपने डिज़ाइन किया है, ऐसा लगता है जैसे आर्किटेक्ट से. नहीं नहीं, मैंने किसी आर्किटेक्ट को यहाँ हायर नहीं किया, मैंने खुद से डिज़ाइन किया, क्योंकि मैं खुद से पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ. बहुत बढ़िया बात है. मतलब कैसा क्या चल रहा है यहाँ पर आपका? ये अभी ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, अच्छा इनकम आ रहा है अभी यहाँ से. कितना टाइम हो गया खोले हुए इसको? खोले हुए मुझे जस्ट अभी 4 महीने हुए हैं, 3 से 4 महीने हुए हैं यहाँ खोले हुए. चलिए, बहुत अच्छी बात है. न्यू न्यू कैफे यहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो एक बार लोकेशन बता दो हमारे सब्सक्राइबर्स को. अपनी लोकेशन है नियर टू सिल्वर स्टेट इन फ्रंट RKVM. तो गाइस, फटाफट से आओ डिलीशियस कैफे पे और यहाँ का फूड भी एक्सप्लोर करो, और भाई से भी मिलो. ठीक है, साथ आप फूड प्रिपरेशन देखिए. कि आप देख रहे हैं हमारा पास्ता निकल के आ चुका है डिलीशियस कैफ़े के किचन से, और पास्ता कैसा बना ये मैंने आपको दिखा दिया, और कैफ़े कितना सुंदर है ये भी मैंने आपको दिखा दिया. और यहाँ पे स्पेशली कैफ़े में सेटिंग अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा है, और साथ ही यहाँ पे पार्टी हॉल भी है, तो एक अच्छा गेट टुगेदर और एक अच्छा आप अपना यहाँ पर आके सेलिब्रेशन टाइप का कर सकते हैं. और बहुत ज़्यादा हाई प्राइजेस नहीं है. दिस इज़ दी व्हाइट सॉस पास्ता एंड इट्स MRP 170 है, और 170 में व्हाइट सॉस पास्ता कैफ़े के अंदर, वो भी इतनी अच्छे लोकेशन के साथ और इतने हाइजीन तरीके से बना हुआ, ये भी काफ़ी अच्छी बात है. और बना भी काफ़ी हाइजीन तरीके से, और आप वो देख चुके हो. तो गाइस, नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट दिस टेस्टी टेस्टी व्हाइट सॉस पास्ता इन डिलीशियस कैफ़े. यू कैन सी दिस गाइस, क्वान्टिटी भी काफ़ी अच्छी है. और नाउ वी चेक कि 170 की MRP पे
ये वाइट सॉस पास्ता फिट बैठता है कि नहीं। नाउ टू ट्राई वाइट सॉस पास्ता। वेल जनरली बताऊँ तो काफ़ी अच्छा टेस्ट है, क्योंकि वाइट सॉस पास्ता है तो वाइट सॉस पास्ता वाला टेस्ट है बहुत ज़्यादा यूनिक, मतलब डिफरेंट, रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट हो, मतलब बहुत अलग टेस्ट हो, बट काफ़ी अदर रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये, क्योंकि उसका राज ये है कि इसमें ना कोई भी जो बाहर से मसाले होते हैं, जो रेडीमेड मसाले होते हैं, वो नहीं डाले गए हैं, सारा फ्रेश मटेरियल इसने यूज़ किया है, और मैंने खुद अपनी आँखों से भी देखा है और आपके लिए भी प्रेजेंट करा है वो चीज़ मैंने, जो भी बैटर वगैरह है वो सब फ्रेश इसमें यूज़ करे गए हैं, और उसकी वजह से टेस्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो गाइस मैं तो उसको फटाफट से फिनिश करने वाला हूँ, क्योंकि इतना टेस्टी पास्ता है, और ये इतना टेस्टी पास्ता है ये, इसको जल्दी से जल्दी निपटाना पड़ेगा, और मैं तो निपटा ही रहा हूँ। आप भी फटाफट से डिलीशियस कैफे पे आओ, और ये कहीं और नहीं जाना है, ये हमारे गोविंदपुरी पे ही है, और गोविंदपुरी पे आरकेजीएम स्कूल के जस्ट सामने आपको डिलीशियस कैफे दिख जाएगा, और यहाँ आओ इस कैफ़े को चेकआउट करो। यहाँ पे बहुत सारी अदर वैराइटीज़ भी हैं, और मेन्यू में लास्ट में लगा दूंगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, और यहाँ पे फूड भी है, यहाँ पे स्नैक्स भी हैं, और यहाँ पे पूरा लंच भी है। तो गाइस मैं तो कहूँगा एक बार यहाँ पे आओ, इसको एक्सप्लोर करो, और वहाँ भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, और खाना भी अच्छा है, और साथ ही हाइजीन तरीके से बनता है, वो सबसे अच्छी बात लगती है मुझे। तो गाइस मैं इसको फिनिश करता हूँ फटाफट से, और आपके लिए लेके आता हूँ जब तक नेक्स्ट वीडियो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू गाइज़।